कालासर पीक से अब हम मूव कर रहे हैं नूरी लेक की तरफ। और नूरी लेक वो उधर नूरी लेक है। तो ट्रैक आपके सामने है, ट्रैक दिखाई लूँगा, ट्रैक आपके सामने है। इस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, अल्लाह की शान के पहाड़ के ऊपर इस तरह का ट्रैक है और बोल्डर्स की इंतहा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नूरी लेक के ट्रैक के ऊपर, आपको गाइड भी साथ साथ करते रहेंगे। और आप नहीं जा रहा हूं। ओ भाई नीचे कौन कौन जा रहा है? इस वक्त ये डिस्कशन चल रही है कि नूरी लेक किस किसने जाना है। सारा ग्रुप यहाँ पे मौजूद है और 8 से 10 लोग जाएंगे, बाकी सारे यहाँ से जाएंगे। जो लोग नूरी सर कश्मीर वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो ये रत्ता सर पास है। पिछली वीडियो में मैंने रत्ता सर पास के ट्रैक के बारे में पूरा बता दिया, तो यहाँ से आगे नूरी लेक की तरफ जो ट्रैक जा रहा है उसके बारे में आपको मुकम्मल गाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको लेक का व्यू करवाएंगे मजे का। ये रास्ता है जी नूरी लेक की तरफ जा रहा है। ये पहला बोल्डर है जो हम क्रॉस कर रहे हैं और ये हमारी टीम है, उसके मेंबर्स हैं आ रहे सारे माशाल्लाह। ये जो सामने आपको बोल्डर नज़र आ रहा है इसकी दूसरी तरफ नूरी लेक है और ये पहला बोल्डर हमने क्रॉस कर लिए। पहला बोल्डर क्रॉस हो गया है, दूसरा बोल्डर हम इंशाल्लाह इजीली क्रॉस कर लेंगे और उसके बाद हम नूरी लेक की तकरीबन 20 मिनट मजीद हाइक किए और ये बोल्डर्स हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। बहुत ही पथरीला इलाका है, और भी लोग आ रहे हैं। अगस्त का ऑलमोस्ट अब एंड लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे ग्लेशियर्स अभी भी हैं और ये काफ़ी स्पीड से पिघल रहे हैं। बोल्डर्स हम काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। ये जो सामने वाला बोल्डर है ये मैं आपको दिखा दूँ, सबसे टफ है। इससे मैं इसकी हमें दूसरी साइड पर नूरी लेक नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में ये वाला ट्रैक है जैसे हमने जाना है, तो नूरी लेक से पहुँच जाएंगे, ऊपर से उसका व्यू लेंगे और फिर इंशाल्लाह लेक तक जाएंगे। एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी, ये आप देख सकते हैं ये पत्थर कीमती पत्थरों से भरा हुआ है, एक बहुत बड़ी रॉक है और इसके बीच में ये छोटे छोटे कीमती पत्थरों से भरा हुआ है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ नूरी टॉप पे। नूरी टॉप तो वैसे दूसरा नूरी टॉप समझ रहे होंगे, ये कश्मीर वाली साइड पे आए तो एक टॉप आता है और ये सारा पत्थर कीमती पत्थरों से भरा हुआ है। बट यू कॉन्ट लिफ्ट दिस थिंग, आपको ये आप ये लेके नहीं जा सकते। आपको नूरी लेक का एरियल व्यू करा देता हूँ। ये सामने जी नूरी लेक है नीचे और ये इसका ट्रैक है और ये ट्रैक बिल्कुल भी बिगिनर्स के लिए नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर प्रोज। इंशाल्लाह करीब से भी जाके आपको दिखाते हैं। अच्छा एक चीज़ जाते जाते मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊँ, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये जो सामने ये जिस तरह मेरी स्टिक जा रही है ये पीक है सरवली पीक। ये आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी पीक है, 6000 मीटर से ऊपर इसकी हाइट है और ये आज तक समिट नहीं की जा सकी। और इस तरफ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो मुर्शिद बादलों के बीच में छुपा हुआ नांगा पर्वत, माशाल्लाह क्या व्यू है। ये मुर्शिद नांगा पर्वत बादलों के बीच में छोटा सा नज़र आ रहा आज। ये है जी नूरी लेक का ट्रैक, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा ट्रैक है लेकिन टफ है, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स आप देख लें। पत्थरों का साइज देखें और उसके बाद डिसाइड करें आपने नूरी लेक के इस ट्रैक पे आपने आना है। ये ग्लेशियर अभी तक बाकी है, ऊपर से बोल्डर हमने ये क्रॉस कर लिए और इस बर्फ़ से अजीब सी स्मेल आ रही है, कुछ
ऐसे जैसे कोई मुर्दार पड़ा हो। बड़ा नूरी लेके बिल्कुल सामने सो फुलफिलिंग अमेजिंग। दोबारा से बोल्डर स्टार्ट हो गए हमारे। ये जाइंट स्टोन है, इनसे नीचे आना पड़ता है। ये देख लें, इट्स रियली टफ। अरे शायद आपको पानी की आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो, इनके नीचे से पानी गुजर रहा है। सो आफ्टर दैट मच टफ ट्रैक डाइट, तो ये जी नूरी लेक हम पहुंच गए। और इसका कोई अजीब भी मज़े का व्यू है, पथरीले पहाड़ों के बीच में ये लेक एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है। और अगर मैं आपको उस साइड से दिखाऊं तो लेक बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है जो कि इसका वो वाला एरिया है। हाँ, इस साइड से लेक जो है वो काफ़ी गहरी है। और ये हर साल ग्लेशियर इसमें पत्थर डालते जा रहे हैं, ये वाले पत्थर हर साल ग्लेशियर से गा के इसके अंदर डालते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाली साइड इसकी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं रहेगी। हाँ, वो वाला पैच इसका बहुत मज़े का है। आप अगर देखेंगे तो दो से तीन कलर्स दे रही है, एक बहुत डार्क ब्लू है, एक लाइटिश सा ग्रीनिश सा कलर है, और पीछे बिल्कुल ग्रीन है। और इसका जो सराउंडिंग व्यू है ये मैंने किसी दूसरी लेक में नहीं देखा अभी तक। बहुत ही सेसनिक व्यूज़ हैं इस लेक के, माशाल्लाह बहुत प्यारी लेक है। ये मेरे रब की कुदरत है, पत्थरों के बीच में से ये पानी जा रहा है और यही पानी मेरी लेक को फीड कर रहा है। मैं बाकी टीम से बहुत पहले नीचे यहाँ पहुँच गया हूँ और लेक का व्यू इतना मज़े का है। लेक के सामने जो पहाड़ हैं उनका अक्स लेक में नज़र आ रहा है और वो बहुत ही दिलकश मंज़र पेश कर रहा है। ये लेक कश्मीर की मेरे ख्याल में चौथी पांचवीं बड़ी लेक है और जैसा इसका व्यू है ऐसा किसी दूसरी लेक का नहीं है। ये किसी भी तरह रत्ती गली सराल या दूधी पत्सर से कम खूबसूरत नहीं है। मुश्किल बात सिर्फ ये है कि इसका ट्रैक इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है, किसी भी बिगनर के लिए ये ट्रैक बना ही नहीं है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि नूरी टॉप वाली साइड से जो रोड आता है वहाँ पे अगर आप नूरी वाटरफॉल के करीब गाड़ी पार्क करें तो डेढ़ घंटे की हाइक करके आप इस लेक तक पहुँच सकते हैं। और इसका वो वाला ट्रैक किसी बिगनर के लिए भी आसान है। इस ट्रैक पे आप घोड़े के साथ भी इस लेक पे नहीं आ सकते क्योंकि इन बोल्डर्स पे घोड़ा चल नहीं सकता। हमने सामान दूसरी साइड से नीचे नूरी वाटरफॉल तक पहुँचाया है। रत्ती गली दूधीपत्सर और सराल की तरह इस लेक के गिरदोनवा में भी सुर्ख और गुलाबी फूलों के अंबार हैं। इन फूलों को मासलून कहते हैं ये लोग मकामी जबान में, और इनकी जड़ों से वो खुश्क करके चाय वगैरह भी बनाते हैं। मेरे ख्याल में नूरी लेक एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे इंसान को रात को कैंपिंग करनी चाहिए और सुबह झील का व्यू लेना चाहिए। ये लेक डिज़र्व करती है कि इस पे एक नाइट स्पेंड की जाए। लेक से लेके लेक का जो वाटरफॉल है उस तक का जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं है। ऐसे फील होता है कि जैसे आप कारपेट के ऊपर जा रहे हो, आपका पैर घास की नरम घास में धंस रहा होता है। नूरी लेक से नूरी वाटरफॉल तक आपका जो ट्रैक है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का है और आप इस ट्रैक की खूबसूरती में खो से जाते हैं।
अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी खूबसूरत जगहें देखने का मौका फराहम किया है। मैंने बहुत ज़्यादा लेक्स की और मैं इस लेक को, नूरी लेक को, अपनी टॉप ऑफ द लिस्ट में चौथे नंबर पर रखूँगा। और मैं ऐसे बोलूँगा, जिसने नूरी लेक नहीं देखी उसने कोई लेक ही नहीं देखी। ये एक दफ़ा लाजमी करने वाली झील है। वो नीचे हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, साइड से ये नूरी वाटरफॉल गिर रही है जो कि अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रही, नीचे से नज़र आई। शाम के 5 बज चुके हैं। ये रास्ता क्या करना, स्लोली हम मूव करते हैं इंशाल्लाह टेंट्स की तरफ। सो फाइनली आई हैव रीच्ड द नूरी वाटरफॉल। इसका सारा पानी नूरी लेक से आ रहा है और वाटरफॉल का जो व्यू है इट्स जस्ट वाओ। काफ़ी हाइट से गिर रही है नीचे, इसलिए आप देख सकते हैं। नूरी लेक इस ट्रैक की हमारी 8वीं लेक थी। मैं मज़ीद भी बाकी लेक्स जो हमने किए हैं उनके व्लॉग्स अलग अलग से शेयर करूंगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।